profits and losses in the ratio of 3:2. As a new part. अब इसमें मैं केसेस डाल रहा हूं. केस ए, सीज शेयर इज 1/6. बस इतना बोला. अब किसने कितना दिया, दिया नहीं बोला. सी शेयर इज 1/6 एंड ए एंड बी शेयर इक्वली इन फ्यूचर. नेक्स्ट केस, सी शेयर इज 1/6 एंड ए एंड बी शेयर इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी म्यूचुअली शेयर. म्यूचुअली माने आपस में. ए एंड बी म्यूचुअली शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन द फ्यूचर. फिर बोला जाए आपसे कि सी शेयर इज 1/6 विच शी टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. फिर आपसे बोला जाए सी शेयर इज 1/6 विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3:1. ठीक है. ठीक है, पहले तो ये वाला देख लेते. ये हमारे पास केसेस हैं 5. इसके मतलब पहले केस के अंदर तो कुछ दिया ही नहीं है. जो ए केस है ऐसे ही, जो ए 1/6 था, 1/6 के लिए कितना ए ने दिया कितना बी ने दिया, दिया ही नहीं है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, केस सी के अंदर जो अभी मैंने आपसे कहा, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1 शेयर ऑफ सी, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी बस. अब ये बचा हुआ 5/6 कुछ नहीं दिया है, तो ए और बी को पुराने रेशियो में बांटेंगे. तो यहां पे लिख दूंगा देयरफॉर एनपीएसआर ऑफ ए बी एंड सी, ए का रेशियो कितना है 15/30, बी का है 10/30 और सी का है 1/6. अगर मैं उसको 30 से करता हूं तो ये हो जाएगा 5. तो 15:10:5, दैट मींस 3:2:1. दैट इज द फर्स्ट केस. भाई आया है नहीं आया समझ में? यहाँ पे बाद में बोला है कि ए और बी जो है ये आपस में इक्वली बांट रहे हैं. हिमांशु आर यू देयर? यस सर. हाँ आ रहा है समझ में? अभी मैंने जो कराया ये. यस सर. तो यू हैव टू बी हियर. यस सर. हाँ ये इक्वली बांट रहे हैं फ्यूचर में. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 3:2 में मत बांटो, इक्वली बांटो. तो जो 5/6 बटेगा ये ए और बी को इक्वली बढ़ जाएगा, बस इतना फर्क है. यहाँ पे बोला है ए और बी विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1. वो सार्थक तो गया अभी क्लास में से, वो इफ यू आर देयर तो तुम ध्यान दो यहाँ पे क्या है. 2:1 में बांटेंगे. तो सी क्या, सी को देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर है 5/6
वो ए और बी को बटेगा 2/3 और 1/3 में। तो ए बी सी में बस इतना सा फर्क है। शुभि ये बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अंश ये केस ए बी सी में कितना डिफरेंस है वो समझ में आ गया ना क्या क्या निकाला मैंने? सी को शेयर दे दो। सी को शेयर देने के बाद में जो बच रहा है शेयर, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पुराने पार्टनर्स को उनके रेशियो बांट देंगे। क्वेश्चन में जैसा बोला इक्वली बोला इक्वली और कुछ रेशियो बोला है, जैसे यहाँ पे मैंने सी में 2:1 दिया तो 2:1 बन जाए, बस इतना सा फर्क। डी केस में क्या बोल रहे हैं? डी केस में ये बोला है कि सी कितना कितना ए और बी से ले रहा है, तो डी केस एकदम अलग है थोड़ा सा। डी केस के अंदर आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। इसके साथ देखना पड़ता है। मिल जाता है। ठीक है तो डी केस में बता देता हूं आपको कैसे क्या करना है। पहले डी केस, डी केस के अंदर बोला है कि सी का वंशिक शेयर है जो ए और बी से इक्वली ले रहा है, तो आप लिखोगे यहां पे सेक्रीफाइस ऑफ ए 1/6 का आधा, सेक्रीफाइस ऑफ बी 1/6 का आधा, और ये हिस्सा ए में माइनस हो जाएगा और ये बी में माइनस हो जाएगा, तो ए और बी का नया रेशियो हो जाएगा। सी का तो दे रखा है। फिर यहां बोला है ए और बी से 3:1 में ले रहा है, तो 1/6 का 3:1 मतलब 3/4 और 1/4। हाँ सर, तो ये ए और बी से मतलब 3:6 में माइनस हो गए, 3/5 में माइनस हो गए, 3/5 में माइनस हो गए। ओके, ओल्ड रेशियो में से ये सेक्रीफाइस माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है, इस बेसिस पे ही आपको जो है ना ये वाली शीट करनी है सॉल्व। This is how this pattern you have to solve this sheet number 26th. अभी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ के कर लेंगे, बाकी कोई आएगी दिक्कत तो मैं कल आपको बताता हूँ। I would like कि फटाफट आप लोग इसको कर डालें। कल फ्राइडे है और फिर मुझे रिकॉन्स्टिट्यूशन रिवैल्यूएशन बता दूंगा तो आप बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। और कोई चीज किसी को पूछनी है तो पूछिए, और जब क्लास के अंदर आप थोड़ा एक्टिवली बैठिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। You have to sit in the class as you sit in the class. ठीक है, तब आपको बातें समझ में आएगी। ठीक है, आप अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, फिर मैं ना कुछ कर पाऊंगा आपके लिए ना आप कुछ कह पाएंगे मेरे। आप एक्टिवली करें तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी आपको और कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। एकता, फिर आई शुड बी गेटिंग योर वर्क। यस सर। ध्रुवी एंड दीप्ति बहुत, all three of you, तीनों लोग। ठीक है फिर मैं एंड कर रहा हूँ। और कोई चीज पूछना है आप लोगों को? नो सर। शुभी तुमको कोई दिक्कत नहीं आ रही? चल रहा है ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।